हेलो, वेलकम। आज हम बनाएंगे कचुम्बर यानी कि सलाड। ये हम एक सलाड बनाएंगे जो एवरीडे आप खाने के साथ, डिनर के साथ खाने में यूज़ करते हैं, कचुम्बर सलाड। तो ये हम कचुम्बर बनाएंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कचुम्बर बनते हैं, तो आपके पास घर में जो अवेलेबल है उसका यूज़ करके भी आप कचुम्बर बना सकते हैं। कुछ नहीं है तो टमाटर ऑनियन है तो उसका भी बना सकते हैं, गाजर कुकम्बर टमाटर ऑनियन है तो उसका भी बना सकते हैं, ग्रेप्स बीटरूट या कैबेज है, लेटीस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। यानी कि जो भी है आपके पास, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चाहिए और यही चाहिए, ऐसा नहीं है। पेपर भी है, ग्रीन रेड पेपर, उसका भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये हम आज सलाड बनाएंगे, कचुम्बर मिक्स सलाड। तो ये बहुत अच्छा लगता है सलाद। तो कुकम्बर लिया है हमने, कैरेट लिया है, लेटिस लिया है, एक बीट लिया है, बीटरूट, थोड़ी सी ग्रेप्स ली है हमने, जीरा पाउडर लिया है, जीरा पाउडर, लेमन जूस, फ्रेश लेमन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और चाट मसाला, ये तो रेडीमेड मिलता ही है बाज़ार में, तो चाट मसाला। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके पास, जैसे हमने आपको बोला, लेटिस नहीं है तो आप कैबेज भी डाल सकते हैं, और कैबेज लेटिस नहीं है तो आप पेपर भी डाल सकते हैं, एज यू विश। जो आपके घर में है वो आप यूज़ करके सलाद बना सकते हैं। तो ये कुकम्बर, कैरेट, लेटिस, बीट, वो सब हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे पहले, और फिर इसको आप डिफरेंट डिफरेंट शेप से कट करके भी बना सकते हैं, बारीक बारीक सब कट करके भी बना सकते हैं, और छिलके भी बना सकते हैं ग्रेट करके भी। तो ये हम ग्रेट करके बनाएंगे, कुकम्बर और कैरेट हम ग्रेट कर लेंगे, बीटरूट भी हम ग्रेट कर लेंगे, और लेटिस जो है वो हम पतली पतली लंबी लंबी कट कर लेंगे, तो वो भी ऐसी लंबी लंबी बारीक कट लेंगे तो वो भी हो जाएगी, और ये ग्रेप्स है वो भी लंबी लंबी कट करेंगे हम। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा तीखा चाहिए सलाद तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सलाद मेन थिंग है कि आप बना के जब सब सर्व करें खाने के टाइम पे, तभी आप सब इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले, सब स्पाइसी मसाले, धनिया पाउडर, चाट मसाला, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, ये सब आप खाते समय जब सर्व करें उससे पहले ही आप अंदर सलाद में डालें, उससे पहले डाल के रखना नहीं है, पहले कट करके या ग्रेट करके आप सलाद रख लें। तो हम ये इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है कचुम्बर का, सलाद का, तो ये हम ग्रेट कर लेंगे एक बड़े से बोल में, ये सब हमने ग्रेट कर लिया है, कैरेट, लेटिस, बीटरूट और कुकम्बर, सब इसी तरह आप लंबा लंबा उसको ग्रेट कर लें, और ग्रेप्स भी हमने लंबी लंबी कट कर ली है। फिर खाते समय जैसे हमने बोला कि सर्व करने के टाइम पे आप सब ऐसा मिक्स कर लें, और उसमें थोड़ा सा हाफ स्पून चाट मसाला, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के आप, और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट आप अंदर डाल दें। तो ये सब मिक्स करके, जैसे हमने आपको बोला कि आप चिली, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे सलाद यानी कि ग्रीन वेजिटेबल बहुत खाते नहीं हैं बच्चे, तो इस तरह से आप उनको सलाद या मिक्स कचुम्बर जैसा सलाद बना के आप बच्चों को सर्व करें, चाट मसाला और सब डाल के, तो थोड़ा खट्टा मीठा और अच्छा टेस्ट लगता है, तो उस हिसाब से बच्चे खा भी सकते हैं, सब वेजिटेबल खा भी लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और 5 मिनट में बन जाता है सलाद। तो आप ऐसे बना के डिनर में बच्चों को या दें, या पिज़्ज़ा के साथ आप दें बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे इस तरह से कैरेट, बीटरूट, एवरीथिंग खा सकते हैं। तो ये हमने ग्रेट कर लिया है बाउल में, अब इसमें हम ये ग्रेप्स हमने बोली थी वो थोड़ी सी डालेंगे, वो हम थोड़ी सी डालेंगे, और इसमें हमने जैसे आपको बोला के लेमन जूस और चाट मसाला, ये सब हम थोड़ा थोड़ा अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह उनको मिला लेंगे।
ये जैसे आपको हमने बताया कि सब मसाला हमने डाल दिया है, चाट मसाला, सोल्ट, लेमन, जीरा पाउडर सब, और सब डाल के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ऊपर नीचे, और इसको सर्व करें खाने के टाइम पे। तो ये बहुत ही टेस्टी सलाद लगता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको पिज़्ज़ा के साथ भी खा सकते हैं, डिनर के साथ भी खा सकते हैं, हर रोज़ बना के। और ऐसा हमने बोला कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं, जो भी है वो आप उससे यूज़ करके बना सकते हैं सलाद। जैसे हमने बोला टमाटर भी अंदर डाल सकते हैं, ऑनियन भी डाल सकते हैं, और ये सब है तो ये सब भी आप ऐसे मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, तो ये हमारा सलाद रेडी हो गया है। तो आप इसको सर्व कीजिए डिनर के साथ और पिज़्ज़ा के साथ, या पिज़्ज़ा के साथ भी अच्छा लगता है बच्चों को। तो ज़रूर ये सलाद आप ट्राई कीजिए, बनाइए और सर्व करें। थैंक यू वेरी मच।